अच्छा भाई, ये चैप्टर जो है इसका नाम है चैप्टर नंबर 5, मैथ एक्सप्रेशन फेमिलियर ऑपरेटर। अच्छा, एक्सप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? हाँ, तासुरात, बिल्कुल सही कहा। और बताओ। What does it mean to express something? जाहिर करना। अच्छा, अब जरा ये तो हो गया ना, इन जनरल एक्सप्रेस या एक्सप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं, मैथ एक्सप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं, ये ज़रा खड़ा होकर कोई इस पर तबसरा करे। जस्ट ये ब्रेन स्ट्रोमिंग के सवाल आते हैं, ये जस्ट इसलिए करता हूँ मैं कि अगर किसी कोई टैलेंटेड बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसका टैलेंट निकल के सामने है। टैलेंटेड तो पूरा पाकिस्तान है। अच्छा, कोई भी खड़ा होगी ये तबसरा करे। एक दोस्त कह रहे हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो है वो एक्सप्रेशन है। नहीं, ये तो ऑपरेटर्स हैं, या उसको नहीं, ऑपरेटर तो प्रोग्रामिंग में कहते हैं ना, मैथ में क्या कहते हैं प्लस माइनस को? साइंस हैं, एक्चुअली साइन कहते हैं ना। अच्छा, मुझे इतनी मैथ आती वाती है नहीं, वैसे थोड़ी मतलब फंक्शनल है मेरी मैथ बस। अच्छा देखो, एक्सप्रेशन को ना हम ज़रा सा समझते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है ना वो अगर समझ जाओगे ना तो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो समझ जाओगे। इन जनरल मैथमेटिक्स में भी ना लोगों को एक्सप्रेशन नहीं पता होगा कि एक्सप्रेशन क्या है, हालांकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व द एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या किया। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी जब प्रोग्रामिंग पढ़ी ना तब जाके मेरे मैथ समझ में आई है। ठीक है, मतलब मैथ वो वाली नहीं, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस भी समझ में नहीं आता था। तो एक्सप्रेशन जो है, कोई भी अपनी बात, ऐसे बोलते हैं ना, एक्सप्रेस योर लव, अभी जाके आप किसी लड़की को बोलते हो यार आई लव यू, ऐसे ही होता है ना मूवीज़ में जो दिखाते हैं, असली ज़िंदगी में नहीं होता, मूवीज़ में ही होता है, लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि भाई अपना वो इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। इमोशंस को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कुछ बता रहा है, इमोशंस अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से एक इंजीनियर है, वो कहता है कि यार ये जो आपका क्या कहते हैं सीढ़ी है, इसको 45 डिग्री पे कर दो। सही है, 45 डिग्री पे कर दो। तो उसने ये एक्सप्रेस किया, कुछ बोला उसने, कुछ अपने दिल में उसकी ख्वाहिश थी कि ये 45 डिग्री पे हो, उसने बोल दिया, उसने एक टर्म इस्तेमाल की 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा फिर अगर कोई और दूसरा इंजीनियर है, उसने बोला लोहा कहीं पे गर्म हो रहा है, उसने कहा 600 डिग्री पे उसको गर्म करो, उसने एक बात एक्सप्रेस की। ठीक है, या मैं किसी वर्कर से पूछता हूँ कि यार अभी जो चूल्हे का टेम्परेचर क्या है, किसी किचन में बंदे से पूछता हूँ ना चूल्हे का टेम्परेचर अभी क्या है किसी भी रेस्टोरेंट में, तो वो बताएगा कि सर इसको 320 डिग्री पे सेट किया हुआ है। सही है, कुछ चूल्हे थोड़े 350-370 पे सेट होते हैं, कुछ कम पे सेट होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे जवाब दे दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन, कि कोई अपनी बात बता रहा है आपसे, कोई अपनी बात बोल रहा है, अपने दिल की बात आपसे बोल रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अच्छा, अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है, जो कि गलत है लेकिन किसी हद तक सही भी है, क्योंकि लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें उल्टी होती हैं, वो बोलते कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम बोलते हैं ना पास्ट, तो पास्ट को ऐसे उर्दू लिटरेचर में बोलते हैं अगला ज़माना। ठीक है, अगला ज़माना का मतलब है कि वो मतलब पीछे की बात होगी, पीछे दौर की बात होगी। ठीक है, तो उल्टा बोलते हैं, तो सही भी है, चलो सेंटेंस बोलते हैं। तो लेकिन बात ये है असल कि वो एक्सप्रेशन जो अब बोल रहा है ना, वो सेंटेंस में कन्वर्ट करके बोल रहा है, असल में तो एक्सप्रेशन ही है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है, वो बता रहा है। अच्छा, मैथ एक्सप्रेशन अब क्या चीज़ है? मैथ की ज़ुबान में ना, जब मैं कोई अपने दिल की बात बोलता हूँ, अच्छा ये दूसरे लैब वाले ना, ये मैंने थोड़ी देर पहले उनके लैब का कर दिया था गलती से, और उन्होंने अभी जो है ना ये मेरे लैब में कर दिया। अच्छा कोई नहीं, चलो दोबारा से इसको हम कन्वर्ट करते हैं, लैब 1A और लैब 1B। सही है,
अच्छा, मैथ की जुबान में जब कोई अपनी बात बोलता है ना, तो वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा 3 + 2, यही बोलेगा ना वो। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। मैथ की जुबान में कोई भी जुमला लिखा हुआ है तो वो एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैथ की जुबान में लिखे हुए जुमले को सेंटेंस नहीं बोल सकते आप, ठीक है? लिटरेचर में वो बोलते हैं सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस भी सही है, लेकिन मैथ की जुबान में कोई भी जुमला लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सप्रेशन है वो। अच्छा, देखते हैं भाई एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन है जनाब 2 + 2, दिस इज एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी सिर्फ ये थोड़ा छोटा एक्सप्रेशन है, थोड़ा छोटा जुमला है। मैंने पूछा टेम्परेचर कितना है, उसने कहा 36, ख़त्म बात। लेकिन ये छोटा सा जुमला होगा, टेम्परेचर क्या था 24, ख़त्म। अभी थोड़ा लंबा भी हो सकता है ये जुमला कि भाई 2 + 5 / 4 / 3 फिर +4 फिर -3, ऐसे बहुत लंबी बात भी हो सकती है। तो मैथ एक्सप्रेशन के अंदर ना, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा मैथ एक्सप्रेशन के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आम तौर पे, ये उन इस चैप्टर में उन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, वो चीज़ें जो जिनसे आप पहले से फेमिलियर हैं। प्लस का सबको पता है, माइनस का सबको पता है, मल्टीप्लाई डिवाइड सबको पता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई कोई भी आप ना प्लस माइनस के ऑपरेशन प्रोग्रामिंग में क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आपकी क्लास का कोड ओपन कर लेता हूँ और ये ज़रा हम करके देख लेते हैं। अपना मैंने बोला कि यार 03 मैथ ऑपरेटर्स, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने ये सारा कोड, ठीक है, मैंने एक नया फोल्डर बना लिया जिसका नाम मैंने क्या रखा है, मैथ ऑपरेटर्स। और थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ लेट माई नम इक्वल टू 10, ठीक है, और माई नम को मैंने कॉन्सोल भी करवा लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि माई नम इक्वल्स टू माई नम +5, ये हम कल भी करके देख चुके थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग माई नम को दोबारा करवा दिया। अब यहाँ पे माई नम क्या प्रिंट होगा, 10 होगा। इस जगह पे माइनम क्या प्रिंट होगा, 15 होगा। तो ये मैथ के जो ऑपरेटर्स हैं वो इस चैप्टर में ये वाले डिस्कस हो रहे हैं, हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये कर चुके थे। अच्छा, इसी तरह मैं इसको प्लस भी करूँगा, माइनस भी करूँगा, मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। अच्छा, अब ये इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, आया कि नंबर्स शामिल हो सकते हैं, या नंबर और वेरिएबल दोनों शामिल हो सकते हैं, या वेरिएबल और वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी मौजूद है। जैसे अभी मैंने एक वेरिएबल रखा है, एक नंबर रखा है, मैं दोनों नंबर भी कर सकता था, 23 + 5, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्लस लगा के आगे मैं कोई कोई तीसरा वेरिएबल लगा देता हूँ, ठीक है, इसका मैं लगा देता हूँ यूज़र इनपुट नम, ठीक है, यूज़र इनपुट नम। अच्छा, मुझे बनाना भी पड़ेगा जाहिर है, ठीक है। तो अभी कुछ नंबर्स हैं, एक वेरिएबल है बीच में, ठीक है, एक वेरिएबल और लगा देता हूँ मैं, माई नम -23। अब मुझे कौन बताएगा कि माई नम -23 + 5 + यूज़र इनपुट नम, अभी ये नम माई नम में क्या जाएगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, एक्सप्रेशन समझ चुके हैं, ये जुमला लिखा हुआ है मैथ की जुबान में, तो ये एक्सप्रेशन है। अभी ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, प्रोग्रामिंग जो है, जो जावा स्क्रिप्ट है, वो मैथ की जुबान में लिखा हुआ ये एक्सप्रेशन वो समझेगी और उसको वो रिजॉल्व करेगी। और माई नम के अंदर अब क्या चले जाना चाहिए, कैलकुलेट करो जल्दी से, 10 - 23 कितना हो गया, हाँ -13 हो गया, -13 + 5
माइनस एट हो गया, माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर, अब देखते हैं क्या होता है। कॉपी पाथ और वही तो देखना चाह रहे हैं हम कि होगा कैसे, वो तो देख करके ही पता चलेगा। मुझे भी नहीं पता क्या होगा, मैं भी देखूंगा आपके साथ ही देखूंगा। अच्छा माइनस फोर ही आया भाई, सही है जवाब, जिस जिसने भी दिया था माइनस फोर सही जवाब दिया था। अच्छा फेमिलियर ऑपरेटर्स थे, फेमिलियर तरीके से हुआ ये। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ट्विस्ट। अच्छा अब बता दो भाई, अब बता दो क्या आंसर आएगा। माइनम प्लस 23, उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर माइनस है, ये बताओ 131 कैसे भला बताओ कैसे करके सॉल्व करूँ इसको मैं। कुछ लोग 276 कह रहे हैं, कुछ लोग दूसरा क्या था 391 था, खुद ही आ जा रहा है। अच्छा मुझे रिजल्ट से लेना देना नहीं है, मुझे अप्रोच से लेना देना है, ये होगा कैसे, ठीक है ये अप्रोच क्या होगी इसको करने की। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सबसे पहले मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट आएगा फिर ये प्लस माइनस वाले ऑपरेशन होंगे। अच्छा ये हमें किसने बताया, ये मैथ ने बताया हमें, मैथ में इसी तरह होता है, ठीक है। अच्छा तो प्रोग्रामिंग में वो मैथ वाली चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, प्रोग्रामिंग जो है मैथ के रूल्स को एज इट इज़ फॉलो करेगी। तो मैथ के अंदर जो होता है वही इसके अंदर भी होगा कि पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला काम होगा, ठीक है। अच्छा जिन लोगों को नहीं आइडिया कि ये क्या बात हो रही है कि मल्टीप्लाई पहले क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जब मैं ये पढ़ रहा था ना तुम लोगों की जगह बैठ के, तो मुझे भी नहीं पता था कि यार ये टीचर मल्टीप्लाई पहले होगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेरे जैसा है यहाँ पे क्लास में जिसको ये आइडिया नहीं हो रहा कि यार प्लस माइनस बाद में और मल्टीप्लाई पहले क्यों होगा, तो आप लोग जाके गूगल पे बॉर्ड मास का फॉर्मूला ज़रा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, BODMAS करके आप सर्च कीजिएगा, छोटी मोटी कोई यूट्यूब की वीडियो देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्लस माइनस के जो रूल्स हैं मल्टीप्लाई डिवाइड के वो किस तरह से किस ऑर्डर में उसको किया जाता है। वेल तो देखते हैं चल के भाई क्या रिजल्ट आता है। 121 रिजल्ट आ गया, किसने बोला था 121, आपने बोला था, गुड यार। अच्छा ये हो गया भाई। इसी तरीके से अगर मैं इसमें लगा दूं डिवाइड, अब बताओ क्या होगा। पहले क्या चीज होगी ये बताओ, रिजल्ट से मेरा लेना देना नहीं है, पहले डिवाइड होगा और अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड ना वन गो में होगा, सही है, और प्लस माइनस जो है वन गो में होगा। अच्छा उसका रीजन ये है कि मल्टीप्लाई एक दूसरे के अपोजिट है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो या पहले डिवाइड कर लो आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है आंसर सेम ही रहता है। तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो या पहले डिवाइड कर लो उससे रिजल्ट आपका एक ही रहता है, ठीक है, और पहले प्लस कर लो या पहले माइनस कर लो उससे भी रिजल्ट सेम रहता है। तो ये वन गो में आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, और वन गो में फिर उसके बाद जो प्लस माइनस बचे हुए होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टिपिकल तरीका है मैथ में जो हो रहा होता है, ठीक है। 124.5 इसका जो है रिजल्ट आ गया। अच्छा अब देखते हैं भाई आगे, ये तो फेमिलियर ऑपरेटर का चैप्टर हमने कवर कर लिया। अच्छा एक चीज़ और होता है, इसको जो बुक का राइटर है उसने फेमिलियर ऑपरेटर में डाला है, अभी देख लेते हैं इसका भी क्या सीन है। लेट यूजर इनपुट नाम इक्वल टू 4 और उसके बाद लेट रिजल्ट इक्वल टू यूजर इनपुट। अच्छा ये जो एम ये जो परसेंट का जो ऑपरेटर है ये पता है किसी को क्या होता है,
क्योंकि बुक में इन्होंने लिखा है फेमिलियर ऑपरेटर. अच्छा ये मैथ में भी यूज़ होता है इसी तरह. अच्छा तो ज़रा प्लीज़ बताइए खड़े होके कि ये ऑपरेटर क्या करता है अगर किसी को पता है तो. रिमाइंडर ये पकड़ रहा होता है. ठीक है, ये जो डिवाइड वाला जो काम होता है ये डिवाइड वाला ही काम कर रहा होता है. बट डिवाइड जो होता है उसमें क्या होता है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता. ठीक है, वो पॉइंट्स में आंसर ले आता है, रिमाइंडर नहीं बचाता कुछ. ये ऑन अदर हैंड क्या करता है कि डिवाइड करता है और डेसिमल पॉइंट से पहले पहले तक डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर बचता है ना वो एज अ रिजल्ट रिटर्न कर रहा होता है. मिसाल के तौर पे यूज़र इनपुट में इस वक्त 4 मौजूद है और 4 और इसको मैंने डिवाइड किया है 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 डिवाइड बाई 2 का क्या रिमाइंडर बचेगा? 0 बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं है क्योंकि वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा बगैर डेसिमल पॉइंट के. अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे कर लूँ 7, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? मैंने कहा 7 डिवाइड बाई 2. ठीक है, इन दोनों का जो भी रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद वो 1 बचेगा, तो 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा? रिजल्ट में चला जाएगा. मैंने कहा जी कॉन्सोल डॉट लॉग रिजल्ट, देखते हैं जी. ठीक है, 1 ये मेरे रिजल्ट में प्रिंट हो गया. अच्छा, अगर मैं इसको कर दूंगा 4, अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा, मैं कह रहा हूँ 7 डिवाइड बाई 4. ठीक है, 7 डिवाइड बाई 4, तो 7 डिवाइड हो जाएगा जब 4 से, तो उसका रिमाइंडर बचेगा 3. ठीक है, क्योंकि अगर ये 8 होता तब तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, 4 4 इक्वल डिवाइड हो जाता, लेकिन चूंकि ये 7 है तो वो एक ही बार ही हो रहा होगा. चलो थोड़ा सा इसको मुश्किल करते हैं. अब 17 कर दिया मैंने इसको, मैंने कहा 17 डिवाइड बाई 4. 17 डिवाइड बाई 4 में क्या बचा? अच्छा, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ सही है, 4 की टेबल में 16 आता है तो 1 बचेगा 17 में. ठीक है, 1 आ गया रिजल्ट हमारा. ठीक है भाई, अगर इसको मैं कर दूँ 5, अब कितना बचेगा रिमाइंडर? 2 बचा. सही है, तो मतलब ये वाला ऑपरेटर भी आपको पता है. अब हम आ जाते हैं अनफेमिलियर ऑपरेटर. ठीक है, जो आपने मैथमेटिक्स में पहले कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ये अनफेमिलियर ऑपरेटर्स में होंगे. ठीक है, अच्छा, ये अनफेमिलियर ऑपरेटर का चैप्टर करके हम क्लास अपनी ख़त्म कर देंगे. ठीक है, बस ये इतना आज हम पढ़ेंगे. एलिमिनेटिंग एम्ब्यूगिटी आप ये घर से पढ़ कर आएंगे क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है. और अच्छा, इन सबको मैंने कमेंट कर दिया. अच्छा, मैंने कहा लेट यूजर इनपुट 17. अब मुझे यूजर इनपुट को 17 से 18 बनाना है, क्या करूं मैं बताओ? 17 से 18 बनाना है, खड़े होके मुझे बताओ एग्जैक्टली मैं क्या लिखूं यहां पर. यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 18. अच्छा, बात तो आपने बिल्कुल सही कर दी है कि भाई ऐसे यूज़र 18 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा, बट मुझे इसमें 1 प्लस करना है. अच्छा, मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि इसमें 17 है या क्या है. कुछ इनपुट आया है, एक इंक्रीज करना है. मिसाल के तौर पे बंदे की एज है, ठीक है, अभी साल ख़त्म हुआ है तो मुझे बंदे की एज में 1 प्लस करना है, इस तरह की सिचुएशन है. या डेट है, अभी 24 घंटे पूरे हुए हैं तो मुझे डेट को 1 प्लस करना है. तो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसमें 17 है या क्या है, बस जो भी है ना उसमें 1 प्लस करना है. अब बताओ क्या लिखूं बोर्ड में? यूजर इनपुट इक्वल्स टू क्या करूँ? अब यूजर इनपुट प्लस 1 करूंगा मैं. ठीक है, कि यूजर इनपुट में क्या भेज दो? यूजर इनपुट में जो भी कुछ पहले से है और प्लस 1 उसमें लगा के भेज दो. ठीक है, ये मैंने कर दिया. अच्छा, इसको करने का जो शॉर्टकट है ना एक प्रोग्रामिंग में, वो शॉर्टकट क्या है? यूज़र इनपुट प्लस प्लस. अच्छा, ये वाला भी तरीका सही है. ठीक है, ये भी एक तरीका है इसी काम को करने का, प्लस इक्वल्स टू. ठीक है, और सबसे सही तरीका जो है वो ये प्लस प्लस.
ठीक है, ये वाला शॉर्टकट है। अच्छा अब आपको बताऊं मैं कि ये जो प्लस प्लस है, दिस इज एन ऑपरेटर, सही है, जैसे माइनस ऑपरेटर था, जैसे मल्टीप्लाई ऑपरेटर था, जैसे डिवाइड ऑपरेटर था, ठीक है, इसी तरह ये भी एक ऑपरेटर है। अच्छा ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर ऐसी चीज होती है कि जो ऑपरेंड्स एक्सेप्ट करती है, ऑपरेटर ऐसी चीज होती है। अच्छा जब उसको ऑपरेंड्स मिलते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पे प्लस जो ऑपरेटर है, एक नंबर उसको चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, एक नंबर चाहिए राइट हैंड साइड पे, और वो दोनों को कुछ ना कुछ प्रोसेस करके ना एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, तो ऑपरेटर हम इस तरह की चीज़ को कहते हैं। तो ये भी ऑपरेटर है। अच्छा प्लस और माइनस जो है वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर। क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब ये है उसको अपने दो साइड पे इनपुट्स चाहिए होते हैं या ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। ये वाला कहलाता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है इस ऑपरेटर को अपने एक तरफ सिर्फ इनपुट मिल जाए तो भी इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर पहला हमने पढ़ लिया, एक दो और भी हैं वो हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे। अच्छा तो हमने क्या सीखा, कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिसको दो इनपुट चाहिए होते हैं, दोनों को मिला के करते हैं, कुछ को एक इनपुट भी मिल जाए तो चलेगा, क्योंकि इसने क्या करना है, जो भी इनपुट मिलेगा उसमें प्लस वन करना है, ये इसका काम है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आके console.log में क्या प्रिंट कर देता हूँ, यूज़र इनपुट और यूज़र इनपुट। अच्छा यूज़र इनपुट में पहले 17 था, मैंने प्लस प्लस लगा दिया तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, 18 हो चुका है। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इसको, रिफ्रेश किया 18 हो चुका है, ठीक है। अच्छा ये प्लस प्लस अगर मैं दो बार लगा दूँ तो क्या होगा, दो दफ़ा वन प्लस हो जाएगा, 19 हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ ना बहुत दफ़ा प्रोग्रामिंग में आपको फेस करनी पड़ती है कि कोई वैल्यू है, अभी पता भी नहीं है कि वो क्या है वैल्यू, उसमें वन प्लस करना है जस्ट आपको, या वन माइनस करना है, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस माइनस लगा दूँ तो क्या होगा, ये अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 17 था, दो दफ़ा प्लस हुआ, एक दफ़ा माइनस हो गया, 18 प्रिंट होगा, ठीक है, 18 प्रिंट हो गया। तो प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस माइनस भी कर सकता, ठीक है। अच्छा अब ज़रा आ जाते हैं हम आज के, ये तीन प्लस लगा दूं अगर मैं इसमें, नहीं ये काम नहीं करेगा, एरर है ये। अच्छा क्यों एरर है, क्योंकि वो दो प्लस मिला के ना एक ऑपरेटर है, वो जो प्लस प्लस है ना दैट इज़ वन ऑपरेटर, समझ लो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 5 और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, तो ये एरर है, मैथ में भी एरर है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 2 होगा, एक मल्टीप्लाई होगा, दो मल्टीप्लाई का कोई सेंस नहीं है, मतलब नहीं है कोई। तो इसी तरीके से अगर मैं दो प्लस लगाता हूँ तो प्रोग्रामिंग में तो इसको वो समझता है कि चलो ऑपरेटर एक है, लेकिन तीसरे प्लस में वो बोलता है भाई ये कौन सा ऑपरेटर है भाई, तो ये वाला सीन है। अच्छा ये भी मैंने कर दिया बंद। अब आपको जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये क्या बताने जा रहा हूँ, एक्सप्रेशन को समझने का हुनर, ठीक है। एक होता है बंदे का एक्सप्रेशन या बंदी का एक्सप्रेशन, वो तो आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है। नहीं समझते हो? अच्छा जब सामने आती है तो सारे अकलमंद हो जाते हैं। अच्छा तो लेकिन हमें जो प्रोग्रामिंग के अंदर पैसे कमाने के लिए जो हमें समझने की ज़रूरत है ना एक्सप्रेशन, वो मैथ एक्सप्रेशन समझने की ज़रूरत है कि इस मैथ एक्सप्रेशन में हो क्या रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि लेट यूज़र इनपुट नंबर इक्वल टू 5, ठीक है, और मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू और यूज़र इनपुट नंबर प्लस 1, ठीक है, प्लस यूज़र इनपुट प्लस प्लस। हाँ भाई यूज़र इनपुट प्लस 1 प्लस यूज़र इनपुट प्लस प्लस, अब बता दो रिजल्ट इसका, 12। अच्छा मुझे भी नहीं पता क्या रिजल्ट है, ठीक है। हाँ मुझे अप्रोच ज़रूर पता है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में होगा,
अच्छा तो 12 है आप लोग, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं 14, कुछ लोग कह रहे हैं 12। अच्छा तो 2 मिनट और हैं, सोचो ज़रा। चलो चेक करते हैं। अच्छा कंसोल तो कराया नहीं उसको। अलेवन। अब मुझे कोई एक बंदा खड़ा हो गया ये जस्टिफाई कर दे कि ये 11 कैसे आया वाला, कोई बता सकता है? किसी ने 11 गेस किया था? आपने किया था? अच्छा तो आप क्या प्लीज़ बता सकते हैं उन सब लोगों को कि 11 कैसे आपने गैस किया? गैस तो नहीं किया, मतलब आता होगा जब ही किया। इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, वेल डन यार। अच्छा देखो ये तो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो फेमिलियर ऑपरेटर्स का है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, ये अनफेमिलियर ऑपरेटर है, हमने भी देखा था। ये जो प्लस प्लस लगा हुआ है ना बाद में, इसका मतलब पता है क्या है? यहाँ पे इस जगह पे ये क्या होगा, पुरानी वैल्यू ही दे रहा होगा। ये रिटर्न क्या करेगा? पुरानी वैल्यू रिटर्न करेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट लगेगा इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा बोलो? पुरानी वैल्यू करेगा। अच्छा रिटर्न का क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन बाई रिटर्निंग समथिंग? अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि ये फला चीज़ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न का क्या मतलब है? थोड़ा सा हम पीछे चल के रिटर्न का मतलब समझ लेते हैं। अच्छा रिटर्न का मतलब ये है, जैसे ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जब मेरा कोड चलेगा, जब मेरा प्रोग्राम जब चलेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आएगा यहाँ पर, मुझे नहीं पता क्या आएगा। तो ये क्या है इसकी, वो उन जो ऑपरेटर की रिटर्न वैल्यू है, जो प्रोड्यूस किया है उस ऑपरेटर ने रिजल्ट, उसने वैल्यू रिटर्न की है। तो वो एक्चुअल चीज़, आप नोट करें कि एक्चुअल चीज़ यहाँ से गायब हो गई और यहाँ पे कुछ दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये जो नई वैल्यू यहाँ पर आई है ना, दिस इज़ कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। अच्छा एक हो गया आपका काम। अच्छा उसके बाद क्या होगा, ये भी वन गो में होगा, तो यहाँ पर भी कोई रिजल्ट आ गया, इसी तरह होगा ना। तो ये रिटर्न वैल्यू ये होगी। अच्छा फिर ये वाला होगा पूरा, अच्छा यहाँ पर भी कोई नंबर आ गया, तो दिस इज रिटर्न वैल्यू। कि कोई भी चीज़ जब खुद गायब हो जाती है और अपनी जगह कोई नंबर छोड़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, रिटर्न वैल्यू कहते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और वापस हम कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो जब ये मेरा एक्सप्रेशन सॉल्व होना शुरू होगा, तो ये क्या होगा, सबसे पहले कौन से वाले को करेगा, प्लस को करेगा। पहले कौन से वाले को करेगा? अच्छा क्योंकि हम मैथ जब तक फेमिलियर ऑपरेटर में हम थे, तो हमें ये पता था कि भाई बॉर्ड मास का रूल है, इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई एक दफ़ा होगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस उसके बाद होगा। लेकिन बॉर्ड मास के रूल में ये प्लस प्लस वाला तो उसमें जिक्र ही नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्लस प्लस वाला डिवाइड से भी पहले होता है या प्लस के भी बाद होता है? चलो मैं तुक्का मार लेता हूँ, क्योंकि प्लस प्लस दिख रहा है, तो मैंने कहा चलो डिवाइड पहले कर देते हैं, प्लस प्लस फिर उसके बाद कर देंगे। सही है, ऐसे मैं तुक्का भी मार सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे तुक्का मारना चाहिए, मुझे कोई ना कोई एविडेंस ढूंढना चाहिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तलाश करना चाहिए, जिसमें एग्जैक्टली मुझे पता चल जाए कि कौन सा वाला पहले कौन सा वाला बाद में होगा, ठीक है। अभी उस डॉक्यूमेंट की तरफ हम चलते हैं। वेल पहले हम इसको ना ज़रा खुद से हम तुक्का मार के कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं वो हमारे रिजल्ट से मैच होता है या नहीं होता। यूज़र इनपुट में इस वक्त 5 मौजूद है, 5 में प्लस हो गया 1, तो यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ, 6 रिटर्न हुआ यहाँ पर। अच्छा 6 में फिर प्लस हुआ, क्या प्लस हुआ, यूज़र इनपुट में इस वक्त क्या मौजूद है, 5 मौजूद है, ठीक है। तो जैसा कि प्लस प्लस मैंने बोला पुरानी वैल्यू रिटर्न करता है, तो पुरानी वैल्यू होगी, तो 6 और 5 11, तो यहाँ पे 11 रिटर्न हो गया।
और इस यूजर इनपुट नंबर के अंदर वन इंक्रीमेंट हो गया बट वो मेरे एक्सप्रेशन में शामिल नहीं हुआ, वो मेरे एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद, वो समझ रहे हो? तो ये 11 हो गया, ये मेरे रिजल्ट से मैच कर गया। अच्छा अभी एक चीज़ और बताता हूँ, एक ये वाला जो ऑपरेटर है ना प्लस प्लस, अभी तक मैंने आपको इस ऑपरेटर का नाम नहीं बताया। इस ऑपरेटर का नाम कोई जानता है? अगर किसी ने बुक पढ़ी होगी तो उसको पता होगा नाम इसका, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बताया जिन लोगों ने बताया, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अच्छा इसी का एक वेरिएंट है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट में यहां पे लगाता हूं मैं, ये क्या करता है पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है बाद में रिटर्न करता है। मतलब यहां पे अगर मैं इसको मैंने प्री इंक्रीमेंट कर दिया तो यहां क्या रिटर्न होगा? 6 रिटर्न होगा यहां पे। तो अब मेरा रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए? ओवरऑल चेंज हो जाना चाहिए और 12 हो जाना चाहिए। देखते हैं भाई कि 12 होता है कि नहीं होता। 12 हो गया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों समझ गए। अच्छा इसी तरह जो माइनस वाला है ना उसमें भी दो हैं, एक पोस्ट डिक्रीमेंट है जो रिटर्न पहले करता है और वैल्यू को माइनस बाद में करता है। ठीक है, एक है प्री डिक्रीमेंट, वो पहले माइनस कर देता है रिटर्न बाद में करता है। तो टोटल हमने ये चार ऑपरेटर पढ़े, दो इंक्रीमेंट के दो डिक्रीमेंट के, टोटल चार ऑपरेटर पढ़े। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि अभी मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और बड़ा करूँगा। जी नहीं, जो पहले मैंने बताया था वो पोस्ट इंक्रीमेंट था, पोस्ट का मतलब है बाद में इंक्रीमेंट होगा। हाँ हाँ, रिटर्न वैल्यू पहले कर देगा ऐड बाद में करेगा। ये साउंड खुद से ऊपर नीचे जैसे हो गया। अच्छा ये मेरे पैर से टच हो गया ना खुद ही। यार एक तो बड़ा अनकंफर्टेबल बैठा हुआ था मैं, जगह ऐसी होनी चाहिए ना बैठने की बंदा पैर अंदर करके बैठे जैसे तुम लोगों की। मैंने कहा यार अजीब ही बनाया भाई। वेल चलो अभी यही है। चलो ठीक है यहीं आ जाता हूँ वापस। ये उन्होंने जो नया फट्टा लगा दिया ना ये वाला, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलो आगे पीछे करना पड़ेगा काफ़ी कुछ। अच्छा भाई तो ये समझ में आया। अच्छा प्री इंक्रीमेंट जो है वो क्या करेगा? पहले इंक्रीमेंट करेगा। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री ग्रामर स्कूल होता है ना कि ग्रामर से पहले वाली चीज़ या प्री, बहुत सारी चीज़ों में प्री लगा हुआ होता है। तो ये हो गया। अच्छा मैं अपने ना वेरिएबल का नाम ज़रा छोटा कर लेता हूँ, इसका नाम जस्ट मैं इनपुट कर लेता हूँ क्योंकि नाम मेरा बहुत बड़ा था वेरिएबल का, छोटा कर लेता हूँ नाम। अच्छा नाम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रहता है। अच्छा अब मैं आया, मैंने कहा प्लस अब बता दो भाई क्या रिजल्ट आएगा इसका। एक हमारे पास रिजल्ट बंदे ने भाई गैस कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, बल्कि गैस सही वर्ड नहीं होगा कि 29 है आंसर। बाकी लोग प्लीज़ बताएं 26। एक दोस्त हमारे कह रहे हैं 26 होगा, 25। एक दोस्त हमारे कह रहे हैं 25 होगा। कुछ लोग 28 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 27 भी कह रहे हैं।
अच्छा मुझे भी नहीं पता क्या होगा, मैं भी आपके साथ कैलकुलेट करूँगा तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। मैंने भी ये जो वैल्यूज़ है रैंडमली लिखी है जस्ट ऐसे ही। सिक्स होगा, जस्ट सिक्स, 18। अच्छा तो इतनी सारे मेरे पास आंसर्स तो आ गए, लेकिन कोई प्लीज मुझे ये भी बताए कि उसने कैलकुलेट कैसे किया। चलो शायद तुम बताओ कैसे कैलकुलेट किया तुमने। सबसे पहले इनपुट में क्या है, पाँच है, फिर ये सिक्स हो गया, सही है, सिक्स सिक्स ट्वेल्व हो गया, यहाँ भी सिक्स, कितने लोगों का ख्याल है कि ये फाइव है, और कितने लोगों का ख्याल है ये सिक्स हो चुका है। भाई ये सिक्स हो चुका है ना, तो सिक्स हो चुका है। देखो जब इनपुट में प्लस प्लस लग गया तो पहले इंक्रीमेंट करेगा ना, ये रिटर्न बाद में करेगा, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट तो इनपुट में हो चुका है, ओरिजिनल वैल्यू में इनपुट हो चुका है। तो अब ये यहाँ पे ना इंक्रीमेंट हो चुका है, सही है। देखो इनपुट में क्या था, फाइव, फाइव रिटर्न हो गया, रिटर्न के हिसाब से हम करेंगे, फाइव यहाँ पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अच्छा फाइव प्लस वन क्या हुआ, सिक्स रिटर्न हो गया। अच्छा सिक्स प्लस, सिक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे ट्वेल्व रिटर्न हो गया, ठीक है। ट्वेल्व प्लस, ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना, ट्वेल्व प्लस सिक्स हुआ, ट्वेल्व प्लस सेवन हुआ, सिक्स हुआ, क्योंकि ये इसने सेवन कर तो दिया है लेकिन यहाँ पे सिक्स रिटर्न करेगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। अच्छा तो ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना हुआ, एटीन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरा इनपुट क्या हो चुका था, सेवन हो चुका था। अच्छा अब यहाँ पे एटीन प्लस क्या करूँ मैं, सेवन करूँ, सिक्स करूँगा अब मैं, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, वो पहले माइनस करेगा फिर रिटर्न करेगा, तो था सेवन, माइनस करके क्या रिटर्न करेगा, ये सिक्स रिटर्न करेगा, तो 18 प्लस सिक्स कितना हुआ, 24 हो गया, ठीक है। अच्छा मेरा ओरिजिनल इनपुट क्या हो चुका है, सिक्स हो चुका है, अब ये माइनस माइनस बाद में करेगा, रिटर्न पहले करेगा, तो 24 प्लस सिक्स ही होगा, ठीक है ना, फाइव होगा ये लेकिन बाद में होगा, तो 30 हो गया ये। अच्छा अगर तो मैंने कहीं मिस्टेक नहीं की है ओरिजिनल वैल्यू में, तो इसका रिजल्ट फिर 30 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर तो मैंने कोई मिस्टेक की है तो फिर हम इसको दोबारा से रिकैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 30 आ गया, तो इसका मतलब है हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की। अच्छा ये समझ आया, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का चक्कर समझ आया ये वाला, हाँ सिस बॉर्ड पर ये डाल दूँ। अच्छा एक और दफ़ा समझा दूँ, देखो इसी वाले को मैं समझाता हूँ तुम्हें एक और दफ़ा। इनपुट था, इनपुट की वैल्यू उस वक्त क्या थी, फाइव। अच्छा तो फाइव हो गया प्लस वन हो गया, सिक्स हो गया, ठीक है, सिक्स यहाँ पे रिटर्न हो गया ऐसा, ठीक है ना, दो वैल्यू वो दोनों मिले, सिक्स हो गया, सिक्स रिटर्न हो गया, वो चीज़ खुद गायब हो जाएगी, सिक्स आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा फिर सिक्स प्लस ये इनपुट जो है इसमें प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले इनपुट की जो वैल्यू थी असल वैल्यू उसको ये क्या कर देगा, अब जाके सिक्स कर देगा पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ रिटर्न करेगा, तो यहाँ आएगा क्या एक्चुअली, यहाँ सिक्स आएगा, ठीक है, तो सिक्स और प्लस सिक्स ट्वेल्व। अब बताओ ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, अभी इस वक्त ओरिजिनल वैल्यू सिक्स है ऊपर, ये इंक्रीमेंट करेगा बाद में, रिटर्न करेगा पहले, तो यहाँ पे सिक्स ही रिटर्न हुआ, लेकिन बाद में जाके क्या किया इसने, यहाँ पे इसको सेवन कर दिया, ठीक है, यहाँ तो सिक्स रिटर्न किया लेकिन ऊपर ओरिजिनल वैल्यू को क्या कर दिया, जो पहले सिक्स थी उसको सेवन कर दिया। अच्छा ट्वेल्व प्लस सिक्स कितना हुआ भाई, एटीन हो गया, सही है। अच्छा अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये माइनस करेगा पहले, यानी ऊपर जाके वैल्यू को वापस सिक्स कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद सिक्स ही रिटर्न करेगा, तो 18 प्लस 6 कितना हुआ, 24 हुआ। अच्छा 24 के बाद अब ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, ये यहाँ पे ऊपर ओरिजिनल जो वैल्यू थी उसको जाके कम तो करेगा लेकिन
रिटर्न पहले कर देगा, तो पहले यहाँ पे क्या हुआ, सिक्स रिटर्न हो गया, सिक्स रिटर्न हुआ ना, ठीक है, और ऊपर जाके फाइव कर देगा इसको, ठीक है। अब ये क्या हो गया, थर्टी हो गया, समझ आया ये वाला, प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी, कोई भी एक बंदा इसको समझ ना आया हो। ये ऊपर जो वैल्यू फाइव हुई है, हो सकता है आपके जहन में सवाल हो अभी ये फाइव होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, इसका इसके फाइव होने का मेरे एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्चुअली वो फाइव हो चुकी है। अगर मैं उसको नीचे प्रिंट करवाऊंगा ना, यहाँ पे इस जगह पे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये फाइव ही प्रिंट होगा। इनपुट को मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो इनपुट में फाइव लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करके मैं वापस चलता हूँ, पूरे एक्सप्रेशन को वापस लाता हूँ, ठीक है, और इनपुट को मैं नीचे यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ, ठीक है, इनपुट को मैंने प्रिंट भी करवा दिया। अच्छा, जितने भी आंसर तुम लोगों ने दिए थे शुरू में वो सारे गलत थे, ठीक है, लेकिन अब मैं इसी तरह का एक एक्सप्रेशन और दूंगा आपको, और मुझे उम्मीद है कि अब की बार एक्सप्रेशन आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक आपको बात पता चल गई, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ हम और देखेंगे, इसकी प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस हमने अभी तक नहीं देखी है। अच्छा, इनपुट को मैंने प्रिंट किया, इनपुट देखो रिजल्ट 30, इनपुट 5, ठीक है, मेरे एक्सप्रेशन में हालांकि 6 शामिल हुआ है उसका, लेकिन वो एक्चुअल में तो बाद में डिक्रीमेंट हो गया। अच्छा भाई, भाइयों ये मैंने गूगल पे जाके क्या लिखा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और जावास्क्रिप्ट साथ में, तो ये लिंक आ गया mozilla.org करके। इस डॉक्यूमेंट में हम तलाश करते हैं, एक टेबल इसमें होनी चाहिए जहाँ पे वो क्या बता रहा होगा, जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रिसिडेंस बता रहा है। यहाँ पे बॉर्ड मास में कितने होते हैं, तीन होते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर, डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस माइनस, ये तीन उसके अंदर होते हैं, 1 2 3 प्रिसिडेंस है। तो सबसे ज़्यादा प्रिसिडेंस किसकी है, थ्री वाले की है, ब्रैकेट सही। अच्छा, यानी प्रिसिडेंस ज़्यादा का मतलब है वो ओहदे में बड़ा है, उसकी बात पहले सुनी जाएगी, ठीक है ना, समझ लो इस तरह से समझो। तो प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, ब्रैकेट की सबसे ज़्यादा है बॉल्ट मास के हिसाब से, उसके बाद है डिवाइड, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका प्लस और माइनस है। जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल 19 प्रेसिडेंस मौजूद है, इसमें तीन नहीं है, इसमें कितनी है, 19 प्रेसिडेंस है। अच्छा, अब किसका कितना दर्जा है वो पता चलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है 19 जो है ना सबसे बड़ी प्रेसिडेंस किसकी है, ब्रैकेट की है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप नोट करें सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है इसकी 19 नंबर, वो है गोल वाले पैरेंथेसिस की या गोल वाले ब्रैकेट की। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो अभी हमने पढ़ी नहीं है इसमें से जो लिस्ट में मौजूद है, लेकिन जो जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वो देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्रेसिडेंस का नंबर है 16, और पोस्ट डिक्रीमेंट इसकी प्रेसिडेंस का नंबर भी है 16, सही है। अच्छा, और आगे चलते हैं, प्लस माइनस का क्या है, प्लस और माइनस जो हैं, सॉरी ये वाले प्लस माइनस नहीं, ये आ गया भाई आपका प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का क्या है, 12, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा, ये तीन डॉट लगा के इन्होंने ये भी बताया कि ये ऑपरेंड किधर लेता है, ये ऑपरेटर दोनों साइडों पे ऑपरेंड लेता है। अच्छा, 12 है, उसके अलावा डिवाइड जो है और मल्टीप्लीकेशन जो है उसका 13 है, यानी प्लस माइनस से एक ज़्यादा है, ठीक है, प्लस माइनस से एक ज़्यादा है। अच्छा, और देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमने पढ़ी हो यहाँ पे, बस मेरा ख्याल है इसमें से अभी और हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये एंड और वगैरह ये सब अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। हाँ, अभी ये सारी चीज़ें अगर मैंने पढ़ा दी ना तो फिर भाग जाओगे तुम उठ के, घर जा रहे हैं, मम्मी याद आ रही है। छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में रहते हैं, मम्मी पास जाना है। अच्छा भाई, तो ये हमने देख लिया कि भाई प्रेसिडेंस का क्या चक्कर है, तो हमें पता ये चला कि पोस्ट इंक्रीमेंट का और प्री इंक्रीमेंट का इन दोनों के भी प्रेसिडेंस में फ़र्क है, इन दोनों के प्रेसिडेंस में क्या है फ़र्क है, एक की प्रेसिडेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, कौन से वाले की ज़्यादा है, पोस्ट वाले की ज़्यादा थी, प्री वाले की ज़्यादा थी, प्रीफिक्स ये रहा और पोस्टफिक्स ये रहा, तो पोस्टफिक्स वाले की जो
प्रेसिडेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी उसको पहले किया जाएगा उस वाले को। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको नज़र आ रही होगी कि कौन से ऑपरेटर को किस तरफ से ऑपरेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे जो प्लस माइनस है, मैं वापस प्लस माइनस पे आता हूँ, कहाँ चला गया प्लस माइनस, ये आ गया भाई मेरा मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जो ऑपरेट किया जाता है वो लेफ्ट टू राइट किया जाता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट किया जाता है। मैं वापस अगर अपने कोड में आऊँ तो आपने देखा मैं इसको सॉल्व किधर से कर रहा था, इस तरफ से, लेफ्ट से राइट कर रहा था। मैं राइट से लेफ्ट भी तो कर सकता था, ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, वो तो जस्ट मैंने ऐसे ही कर लिया था इस तरफ से, तुक्का लग गया, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो भी लेफ्ट से राइट है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं जो राइट से लेफ्ट भी हैं, एक दो ऐसे हैं जो राइट से लेफ्ट भी हैं, तो इसका भी हमें देखना पड़ता है कभी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है समटाइम, कि वो कोई ऐसी चीज़ बीच में आ जाती है वो आंसर आपको जो एक्सपेक्टेड होता है वो आ ही नहीं रहा होता, कुछ और ही हो जाता है। अच्छा यार, प्रेसिडेंस लिखो क्या, ठीक है, ये और भी बहुत लोगों ने बनाया हुआ, इनका अपने सिर्फ अकेले का नहीं है। अच्छा, राइट टू लेफ्ट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट है। अच्छा, इसमें राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें ऑपरेंड है ही एक साइड का ना, तो अभी लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो बात एक ही है, लेकिन सम टाइम ये मैटर कर जाता है जब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है बहुत सारी जगहों पर। ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह की भी कोई चीज़ है कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ठीक है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है ना पोस्ट और प्री, तो फिर तो आपको उसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। वेल, तो अभी मैं एक छोटा सा और बनाता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ए और बी, ठीक है, ए को मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ 5 और बी को मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ 3। और यहाँ पे ना मैं ए बी वाले बना देता हूँ ज़रा लंबा सा, बीच में मैं इसको कर देता हूँ ठीक है। अब मैंने इसमें क्या क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया, माइनस नहीं डाला, चलो माइनस भी डाल दिया, डिवाइड डाल दिया मैंने, और मल्टीप्लाई भी एक डाल देता हूँ मैं, ठीक है, वो सारे ही मैंने ऑलमोस्ट इसमें डाल दिए, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट नहीं डाला मैंने ना, ये लो प्री इंक्रीमेंट डाल गया। चलो बताओ अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। अच्छा, किसी एक में बी कर देता हूँ ना मैं, सारे ए हो गए, सही है, इस वाले को बी कर देता हूँ। मैंने भी रैंडमली लिखा है, मैंने भी वो सोच के नहीं लिखा है, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, तुम लोगों के साथ ही कैलकुलेट करूँगा मैं भी। अच्छा, रिजल्ट भी आपने बताना है, प्लस ए और बी में क्या जा रहा होगा ये भी बताना है। सॉरी, ये लो स्क्रीन के बीच में समझो, बस यही आखिरी है, ये करके फिर आपका क्विज शुरू कर देंगे। असल में ना गूगल क्लासरूम
कुछ भी नहीं ऐड करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ नॉट कम से कम। अभी हमारे पास एक गेटा बन, एक हमारे पास जो है वो आपका एक एयर ड्रॉप से बॉल है, क्लास के दौरान मैं लिंक बोलता हूँ भेजो, देखो एयर ड्रॉप सीखा देखा ना, वो उसके अंदर क्लास आई डी वेब लिख दो, वो अगर एक सारे सबमिट मारते हैं आ जाते हैं। मैं दो चार कोड से देख लेता हूँ काफ़ी अच्छा, मतलब दो चार ने अच्छा बना दिया ना तो बस सही, जिन्होंने नहीं बनाया वो एक दो क्लास बाद वो समय जिसने नहीं बनाए खड़े हो बाहर खड़े हो, इतना सबका मैं चेक कभी भी नहीं किया। क्या 29.5 एक दोस्त ने कहा कि आंसर आएगा। अच्छा जल्दी से खड़े होके बता दो कि तुम कैसे, कौन सा वाला पहले होगा उसके बाद कौन सा वाला होगा। पहले ये डिवाइड वाला होगा, सही है। अच्छा और किसी का कोई आंसर, पहले तो चला के देखते हैं ना, 29.5 ही आया तो फिर इससे पूछेंगे, अदरवाइज फिर हम। हाँ जी 1919 जी। और किसी ने कैलकुलेट किया 19 आपका भी आ रहा है, दो लोगों का 19 आ रहा है जी, आपका 19 आ रहा है आपका भी। अच्छा ज़्यादा वोट 19 के हैं, तुम्हारा 29.5 कैसे आ गया भाई, चलो चेक करते हैं क्या रिपोर्ट है। 19 आया। अच्छा तो प्लीज़ ज़रा खड़े हो गए दोस्त, ये सब लोगों को बताएं कि पहले कौन सा वाला हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ। पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को अच्छा ये बहुत अच्छा आपने जबरदस्त प्रेसिडेंस ऑपरेटर से देख के आपने देखा कि डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट की प्रेसिडेंस तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है तो पहले वो सॉल्व होगा तो हम ये करते हैं अभी पहले सॉल्व। अच्छा एक डिक्रीमेंट है और एक इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट वाले की ज़्यादा है और डिक्रीमेंट वाले की एक कम है, तो पहले सारे सॉरी पोस्ट वाले की ज़्यादा है जो बाद में होते हैं, तो पोस्ट वाले कितने हैं, एक पोस्ट वाला ये एक पोस्ट वाला ये, इन दोनों को पहले करते हैं। अच्छा बी प्लस प्लस वो बी की ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर देगा, टू कर देगा और यहाँ पे बी रिटर्न हो जाएगा 3। माइनस है ना, अभी ओरिजिनली 3 थी वैल्यू ना, तो 3 आएगी यहाँ पर, पोस्ट है ना बाद में, रिटर्न पहले करेगा डिक्रीमेंट बाद में करेगा। ओ सॉरी हाँ सही कह रहा है, रिटर्न 3 करेगा बाद में 2 करेगा, सही कह रहा हूँ, सही है थोड़ा सा घूम गया कहा। अच्छा उसके बाद कौन सा है, पोस्ट वाला एक ये है, ए जो है ऊपर 6 हो जाएगा, ठीक है लेकिन यहाँ पे 5 ही आएगा, 5 आ गया, सही है प्रेसिडेंस के टेबल के हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद है प्री वाला एक है हमारे पास और ये प्री वाला 2 है, ये 1 गो में होगा, जिसकी प्रेसिडेंस सेम होती है ना वो 1 गो में होता है। ये जो जावा स्क्रिप्ट है ना मेरा, वो इस पूरे को इस तरह से कर रहा है, एज अ होल पहले लेता है फिर उसमें देखिएगा बड़ा कौन सा है उसको पहले करेगा। अच्छा प्लस प्लस ए, ए में इस वक्त 6 मौजूद है, सही है तो 7 यहाँ पे आ भी जाएगा और ये ऊपर वाले को 7 कर भी देगा,
आपने भी ऐसे ही किया था या कुछ मुख्तलिफ है आपका आंसर? लेकिन सेम आएगा। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस है ना, जो इंक्रीमेंट पोस्ट वाले, वो अगर आगे पीछे भी हो जाए तो आंसर उसका मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही आता है। जी, ये पहले 5 था ना, लेकिन अब तो ये चेंज हो चुका है ना भाई। ये एक बार 6 हुआ है, उसके बाद 7 हुआ है। ये कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ जाता हूँ। ये लो, ये वाला जो ए था ना, ये जब पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया? 6 रिटर्न किया, क्योंकि अभी ये ऊपर 6 है, और ऊपर जाके उसको इसने क्या कर दिया? 7 कर दिया। ये हुआ भाई। चलो शुरू से करते हैं। सही है, ये पोस्ट वाला एक सबसे पहला, यहाँ 3 आ गया, ऊपर इसको 2 कर दिया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट वाला कौन सा है? ये वाला है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया, और ऊपर हो गया 6, ठीक है। अब उसके बाद प्री वाले हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रेसिडेंस कम है, वो बाद में होगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड से भी ज़्यादा है इन दोनों का। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 7, और ऊपर भी हो जाएगा 7। अच्छा, एक और प्री वाला है मेरे पास, यहाँ 1 हो जाएगा और ऊपर भी 1 हो जाएगा। सही हो गया अभी। अब इसमें से बताओ सबसे बड़ी प्रेसिडेंस किसकी है? मल्टीप्लाई और डिवाइड की, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम है, तो 1 गो में होगा ये काम। 3 × 7 3 × 7 = 21, ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद होगा ये डिवाइड वाला काम। बी में इस वक्त क्या मौजूद है? बी में इस वक्त 1 मौजूद है, तो 1 / 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस माइनस रह गया। ए में इस वक्त क्या मौजूद है? 7 मौजूद है, 7 + 21 28, सही किया ना मैंने, 7 + 21 28। हाँ सही है, 28 + 1 = 29, 29 - 5 = 24, 24। अबे मेरा तो आंसर ही गलत आ गया, ये क्या सीन बोल। ये क्या सीन हुआ यार? अच्छा, वो मैं भी तो उस्ताद हूँ ना। नहीं, एक मिनट, मैं कंट्रोल सेट करके ज़रा जाऊँ तो सही वापस। मेरा 24 आया है भाई, दबा आंसर ना। मैं वापस तो लाऊँ ना जो सारे मैंने उड़ा दिए हैं। अच्छा, ये सारे वापस आ गए, 19 आंसर आया है, लेकिन मेरा कितना आ रहा था? 24. मेरा 24, तो इसका मतलब है मैंने कहीं पे मिस्टेक की है, एक अदद। तो लास्ट वाले पे इंक्रीमेंट जो किया मैंने, नहीं वो प्रेसिडेंस टेबल खोल लेते हैं ना। सर, ये लेफ्ट टू राइट चलता है ना? हाँ सर, एक मिनट, आप अपना वापस एक्सप्रेशन पे आना। हाँ, सबसे पहला ये जो है ना, ये मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा, सबसे लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट वाला, ये वाला सर, इसको सॉल्व करने के बाद ही आगे तो। अच्छा नहीं, हम अभी प्रेसिडेंस टेबल से देख के उसको दोबारा करते हैं, कोई मसला थोड़ी है। देखो, प्रोग्रामिंग लगे रहने का नाम है, ये तो बहुत दफ़ा होगा प्रोग्रामिंग में कि आप करोगे कुछ और होगा कुछ और, सही है। कभी कभी कुछ काम करना चाहोगे वो होगा ही नहीं, सही है। अभी समझ में नहीं आएगा ये हो क्यों नहीं रहा, काम कोड सारा सही होगा, यानी आपके मुताबिक कोड आपका सारा सही होगा, लेकिन वो होगा नहीं, रिजल्ट कुछ और आ रहा होगा, कई दफ़ा होगा ये। अच्छा, कभी कभी उल्टा होगा, कभी कभी होगा ये कि कोड आपका, बोलोगे आप कि यार ये कोड तो मेरा सही नहीं है, लेकिन आंसर वो काम सही कर रहा होगा अभी, ठीक है। अभी फिर बंदा ये सोचता रहता है कि ये काम कर कैसे रहा, ठीक है। ऐसा भी बहुत दफ़ा होता है, कभी बोलोगे आप काम कर क्यों नहीं रहा, कभी बोलोगे आप काम कैसे कर रहा है, ये चल कैसे रहा है, इसको तो चलना ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत दफ़ा होगा। तो प्रोग्रामिंग में जो कंसिस्टेंसी जिस बंदे के अंदर है ना, उसी का ही काम है प्रोग्रामिंग। जिस बंदे के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है प्रोग्रामिंग में, वो चल ही नहीं सकता। अच्छा, हमारे पास टाइम कितना बचा है? हाँ, टाइम तो हो गया हमारे पास, बस जल्दी से करते हैं फिर उसको। हाँ
अभी देखते हैं। अच्छा, इस सबसे ज़्यादा है पोस्ट फिक्स और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, पोस्ट दोनों की, पोस्ट वाले की सबसे ज़्यादा है, ये तो पक्का है, कन्फर्म। अच्छा, तो पूरे ब्रैकेट के अंदर ये सबसे पहले होगा, ठीक है, तो पोस्ट वाले को दोनों को कर देते हैं, ये मेरा पोस्ट वाला है। अच्छा, मगर ये भी एक सवाल है कि पोस्ट वाला मैं ये पहले करूँ या ये पहले करूँ, ये भी एक सवाल है। लेकिन मेरे ख्याल है इसको पहले करें, उसको रिजल्ट में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस तो एक ही है। अच्छा, बी माइनस माइनस, ऊपर इसने टू कर दिया और यहाँ पे इसने थ्री छोड़ा, सही है। अच्छा, फिर ए प्लस प्लस, इसने ऊपर वाले को क्या कर दिया, सिक्स कर दिया और यहाँ पे इसने क्या छोड़ा, फाइव ही छोड़ा। अच्छा, यहाँ तक कोई मिस्टेक समझ आ रही है किसी को? इससे पहले भी ये काम सेम किया था हमने, है ना। अच्छा, अब देखते हैं इससे बड़ी प्रेसिडेंस किसकी है। नीचे गए हम, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। अच्छा, इसकी जो जो ऑपरेशन है वो राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है, मतलब पहले मेरे को राइट साइड वाला करना है, राइट नहीं नहीं ये तो नहीं नहीं राइट साइड वाला नहीं करना पहले, जैसे भी करता हूँ, वेल प्री वाले को करता हूँ मैं आगे। अच्छा, प्लस प्लस ए, तो ए में इस वक्त मौजूद है सिक्स, तो इसने यहाँ पे कर दिया सेवन और यहाँ पे भी आ गया सेवन। हाँ नहीं, ये तो प्री है ना, प्री इंक्रीमेंट है। हाँ, तो पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो सेवन यहाँ भी कर देगा और यहाँ भी सेवन हो जाएगा, ये सही है, यहाँ तक भी कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, प्री डिक्रीमेंट है उसके बाद, ठीक है, प्री डिक्रीमेंट भी उसके फ़ौरन बाद ही है, पंद्रह है, दोनों की प्रेसिडेंस पंद्रह है। अच्छा, माइनस माइनस भी, इसको कर दिया मैंने वन और यहाँ पे ये भी हो चुका है वन, सही है जी। अच्छा, अब है मेरे पास मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस और माइनस। अब आ जाते हैं नीचे हम, मल्टीप्लिकेशन डिविजन, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है के जो पूरे एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट पे चीज़ है वो पहले होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सप्रेशन को रीड करेगा ये, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो लेफ्ट मेरा ये वाला साइड है तो मतलब ये पहले होगा, थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन, सात इक्कीस हाँ ट्वेंटी वन होगा, सही है। लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट, हाँ सही है, लेफ्ट टू राइट यही है। उसके बाद डिवीजन है, बी में इस वक्त मौजूद है वन, वन डिवाइड बाई वन, वन, ये भी सही है। मसला है कहाँ से आ रहा है, नाइनटीन, हाँ ज़्यादा है, ये 14 वाला है ना, 16 से कम है इसकी, तो ये बाद में होगा, ठीक है। इसी तरह देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की 13 है, एडिशन की थोड़ी कम है उससे, तो एडिशन बाद में होगा, ये पहले होता है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब ये लेफ्ट टू राइट की तरफ होगा, तो मैंने कहा 21 प्लस 1 22 और 22 माइनस 5 कितना होगा, 17। अब आखिरी जो ये वाली वैल्यू है ना, इस पर डिपेंड करता है। अभी मेरे पास ए में मौजूद है सेवन, तो इसको दोनों को प्लस करने से ये क्या हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है, ठीक है, और रिजल्ट हमारा एक्चुअल में आ रहा है 19। तो अब जी, हाँ ऑर्डर इग्नोर कर दे, 19 तो आ जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंस कैसे फॉलो हो रही है फिर, क्योंकि प्रेसिडेंस फॉलो हो तो रही है, वो हम कहीं पर मिस कर रहे हैं कोई चीज़, प्रेसिडेंस तो वो फॉलो कर रहा है, हम कहीं पे कोई चीज़ मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका होमवर्क हो गया कि ये जो है ना कैसे चल रहा है, मैं भी देखूंगा इसको, आप भी देखिएगा, सही है, चलो सही है। ये आप घर जाके ना तसल्ली से इसको देख के आपने रिसर्च करनी है इसके ऊपर कि ये चल कैसे रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंस तो फॉलो हो रही है, ये गेटअप में आपको कोड पुश होके मिल जाएगा,
वहाँ पे आप इजीली उसको देखते रहिएगा कि कैसे हो रहा है. अच्छा मैं भी इसको एक्सप्लोर करूँगा, मैं भी रिसर्च करूँगा कि यार ये क्या हो, चक्कर क्या हो रहा है. ठीक है, प्रेसिडेंस तो फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन रिजल्ट मेरा वाला क्यों नहीं सेम आ रहा जब मैं उसको. अच्छा मैं जो चीज़ कर रहा था उसको कहते क्या है बता सकता है कोई? ड्राई रन कहते हैं. ठीक है, ड्राई रन का मतलब होता है कि कोल्ड को अपने ब्रेन में आपने रन करना है कि कोल्ड जो लिखा हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली में चलेगा कैसे, और उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट करना, इसको हम कहते हैं ड्राई रन. तो जब मैं ड्राई रन कर रहा हूँ तो रिजल्ट उसका मुख्तलिफ आ रहा है. ठीक है, और जब मैं डायरेक्ट उसको चला रहा हूँ तो रिजल्ट उसका सही आ रहा है. ठीक है भाई, तो ये वाला एक सीन है, ये कोड में यहाँ से पुश कर रहा हूँ.